अभी अभी मैं सो के उठा हूँ और हम बिहार से आया हूँ, और बार बार मैं सोचता हूँ ये लोग जो देश चलाते हैं क्यों नहीं सिस्टम में मुझको रख देते। 8 बजे उठ जाऊंगा, 12 बजे ड्यूटी पहुंच जाऊंगा। कोई मजा ना आवे का बोलूं। जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को गिनती तब आई, देता ना 10 मलव भारत तो चांद पे जाना मुश्किल होता। रखे से आ रहे लखा बस वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है भाई। मैं सोचता हूँ लाइफ को जीना चाहता हूँ लेकिन जीने की कोई वजह नहीं है, और मरना भी नहीं चाहता हूँ क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत प्यार करता हूँ। इतनी ठंडी आ गई है किसी ने स्वेटर तक नहीं दिया हमको। और लोग कहते हैं कि हम आपका बहुत ख्याल रखते हैं। लोग कहते हैं कि देश बदलेंगे, जब खुद ही नहीं लोग बदल रहे हैं तो देश कैसे बदलेगा। हम कहते हैं अरे भाई पहले अपना घर बदलो उसके बाद देश बदलना। पहले शरीर का कपड़ा बदल लो, शरीर का कपड़ा बदल लो, नहाओ धो, मलिन वस्त्र धारण मत करो, मन में एकदम मैल भर गई है। लोग अपने घर में लड़ते हैं सपा वाले लोग, और देश चलाने की बात करते हैं। अब यही बीजेपी वालों को देख लीजिए, एक दूसरे की लोग बुराई करते हैं, ईवीएम में साल ससुर घोटाला कर देते हैं, 16 में से 14 सीट पा जाते हैं। ये लोग पा जाते हैं बीजेपी वाले, और जहाँ पे बैलेट पेपर से चुनाव होता है वहाँ पर इनकी संख्या बहुत ही कम है। हाँ, जहाँ पे बैलेट पेपर से होता है चुनाव इनकी संख्या इतनी कम है, नगर के बराबर। मान लीजिए इनकी नैया डूब गई है और ये ईवीएम से करवा रहे हैं, और ऐसा घोटाला ऐसा सॉफ्टवेयर बनाते हैं कि क्या कहीं भी वोट डाल बीजेपी पे जाता वोट भाई एकदम। और किसी आदमी से पूछ लो कि ये मोदी क्या कर रहे हैं, मोदी क्या कर रहे हैं, मतलब कुछ नहीं है। इस देश से उस देश, इस देश से उस देश, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, देश का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। पानी है तो पानी शुद्ध नहीं मिलता है, भोजन जो है उसमें भी केमिकल की मात्रा है। और इतने लड़के बेरोजगार पड़े हैं, 10-12 तो घरे लाज में पड़े, हर लाज में 15 लड़के। इसका जवाब तो आ गया है, किसका आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, बाकी सब वैकेंसी निकालना चाहिए इन लोगों को भाई। नहीं,